तो अगर आप पूरी ज़िंदगी भी कोई पैसा कमाओगे या फिर पूरी ज़िंदगी कमाते रहोगे और लास्ट में जाके फिर जब अपनी हेल्थ पे खर्चा करोगे, इससे अच्छा अभी थोड़ा सा कर लो। ये देख के बहुत दुख होता है, देखो पूरा जिम खाली है यार। और एक खुशखबर भी है वीडियो में आगे, तो बने रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। तो बस आज घर पे आ रखा हूँ मैं, सुबह सुबह ऐसे जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि रात को आया था और फटाफट से सो गया था। व्लॉग कल का एडिट किया था और बस फटाफट से सो गया था, तो अभी फटाफट से जल्दी उठा हो तो मैंने सोचा आज का नए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी घर पे हूँ, घर पे बस आज अभी ज़्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि मुझे जाना है शायद, मतलब तराजा जाना है। मामा के बाइक वाइक लेके आया है, वो देनी है तो उसे लेके जाना है तराजा, और नीले से भी मिलना है तो उसे भी मिल लेंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट से उधर चलने का। अभी सब सो रहे हैं सब, तो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना मेडिटेशन वेडिटेशन कर लेता हूँ, खेत में घूम के आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ये ला, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा ये। गुस्सा हो गया इसको, ठीक है। नहीं अभी तेरे को दूध नहीं पिलाएंगे, नहीं अभी क्या मेरा मारा, ठीक है अभी कोई बीच में नहीं आ रहा। गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, मारता है क्यों भाई भाई। ये जा बोलू। ये शांति शांति। हेलो दोस्तों, तो अभी क्या आप लोग शुद्ध गाय के घी में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप शुद्ध गाय का घी खाना चाहते हैं? तो हमारी प्यारी प्यारी घी के दूध से बना हुआ ये घी है और बिल्कुल गांव के घर से जो प्रोसेस से बनाया जाता है वही घी है ये। अगर आप इंटरेस्टेड है इस घी को खरीदने के लिए और इस घी से होने वाले बेनिफिट्स के लिए, तो आप लोग नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर से आप पता कर सकते हैं। प्राइसिंग वाइजिंग सब आपको उधर से मिल जाएगा। तो ठीक है, हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अभी। तो अभी गायों से मिल लिए है, गाय मतलब ऐसे भोलू भी बहुत बड़ा हो गया, पापा से बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगे अभी भोलू भाई। ये देखो, तो अभी मैं चलता हूँ, रेडी हो चुका हूँ, बाइक वाइक सब रेडी है। थोड़ा सा घी ले जाना था फ्रेंड के लिए तो वो इकट्ठा कर लिया है और बस चलते हैं। तो अभी ताजा पहुँच चुके हैं और नाश्ता मतलब दोपहर का खाना वाना खा लेते हैं। उसमें ये मैं एज यूजुअल ज़्यादा बाहर निकलता तो हल्का खाने पसंद करता हूँ, तो डोसा मंगा लिया है। तो भाई साहब इडली विडली मतलब क्या इडली तो नहीं, डोसे वोसे खा के अभी मैं रूम पे आ गया हूँ दोस्त के। वो अभी तो स्कूल में है, स्कूल से अभी वो आने वाला नहीं है शाम तक, तो उसका लैपटॉप वैपटॉप पड़ा है वो उसमें थोड़ा सा अपना काम वाम कर लेते हैं। मैरिज की अभी भी है और ऐसे ड्राइविंग व्राइविंग करके भी आए हैं तो थोड़ी सी थकावट है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, फिर सीधे शाम को मिलता हूँ आपको मैं जिम जाने के टाइम पे। यहाँ पे जिम जाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को मिलते हैं, चलते। तो अभी शाम हो गई है, टाइम टू जिम। और बस यहाँ मतलब इस दरवाजा में ना एक मस्त जिम है, एक ही जिम है, लेकिन हर बार आता हो तो यहाँ पर आने का मौका मिल ही जाता है, काफ़ी मज़ा आता है। अभी बढ़िया गया, उसका क्लास वाला अच्छा रहा है, लेकिन देख रहे हो आप पूरा
पूरा जिम देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल खाली है ना। तो मस्त सा ऐसे जिम ख़त्म कर लिया है। और मतलब ऐसे आज जिम में ये चीज़ देख के दुख हुआ कि ऐसे पूरा जिम खाली था, शादियों का सीज़न चल रहा है वैसे मानते हैं। ये तो प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो कोई ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं, जो ऐसे भर्ती आती है तब वही आते हैं, बाकी कोई नहीं आते। तो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन थोड़ा सा इनको मतलब होना चाहिए यार। फिटनेस के रिगार्डिंग तो अगर आप पूरी ज़िंदगी भी कोई पैसा कमाओगे या फिर पूरी ज़िंदगी कमाते रहोगे और लास्ट में जाके फिर जब अपनी हेल्थ पे खर्चा करोगे, इससे अच्छा अभी थोड़ा सा कर लो। ज़िंदगी के एंड में जाके जब अपनी हेल्थ और अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, इससे अच्छा अभी थोड़ा सा खर्चा कर लो। तो जिम जाओ, और अगर डेली नहीं जा सकते तो हफ्ते में 3 से 4 दिन जाओ। लेकिन जिम जाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये आपको लंबे टाइम में पता चलेगा। जब आपकी एज 30-40 ऐसे क्रॉस करेगी तब आपको पता चलेगा। तो जिम जाओ। ये देखो, ये है सतनाम ढाबा, पूना भाई का ढाबा। और यहाँ पे भीड़ देखो, छोटा सा ही ढाबा है लेकिन ये पब्लिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, यहाँ से स्टार्ट कर। ये और ये पूरी ट्यूबवेल पड़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हमारे भाई भी यहाँ पे आ गए हैं, अंदर चलते पहले। भीड़ देखो भीड़, वाह ठाकुर बैठ गया। तो दोस्तों अभी हम दोनों वापस आ गए हैं, और मैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसे व्लॉग एडिट करने के लिए बैठ गया था। अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो जैसे मैं मतलब क्या बोलते हैं, आने के बाद इनको 10 मिनट नहीं लगा सोने के लिए, भयंकर नींद है इनकी। और मैं यहाँ पे उसका लैपटॉप लेके बैठ गया हूँ, थोड़ा सा काम करना था। तो बस ऐसा है आज का दिन। वैसे आज के दिन में कुछ ज़्यादा लंबा किया, मतलब ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, आया था बस। और दिन भर बस यही आने के बाद थोड़ा सा लैपटॉप पे काम किया और हो गया बस मज़े। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा पक्का कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब पक्का करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको व्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो, और जो आपको घी दिखाया था मैंने वो आपको कैसा लगा? वो मतलब ऐसे प्योर घी है, हम मतलब फैमिली में तो सब वही घी यूज़ करते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं प्योर ऐसे घी यूज़ मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये अगर आपको मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड। आप अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन टू। तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को बस इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। तब तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।